दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की आस लगाए छात्रों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। आज से दिल्ली विश्वविद्यालय इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रहा है। ये प्रक्रिया 1 जून से 19 जून तक चलेगी। पहली कट ऑफ 27 जून को आएगी। नए सत्र की कक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होंगी। और इतना ही नहीं, यह पहली बार होगा जब कश्मीरी छात्रों, कश्मीर से पलायन किए गए विद्यार्थियों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय न सिर्फ अलग से कट ऑफ जारी करेगी बल्कि उन्हें 5% अलग से आरक्षण का फायदा भी मिलेगा। साथ ही ये पहला मौका है जब DU ने दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बुधवार यानी 1 जून 2016 से शुरू हो गए हैं। DU में ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख 19 जून रखी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की करीब 54,000 सीटों के लिए इस बार ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए विद्यार्थी www.du.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस बार पूरी तरह ऑनलाइन क्यों रखा गया था? इसलिए कि इससे बच्चों को सुविधा हो पाए। काफ़ी बच्चों को जो स्पोर्ट्स और ECE के लिए अप्लाई करते हैं उनको अलग से हर कॉलेज में जाना पड़ता था अपना फॉर्म देने के लिए। अब जो है वो घर बैठे ही जो है फॉर्म भर पाएंगे, उनको किसी भी कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। फिर उनको हर कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी पड़ती थी साथ में, तो अब जो है सिर्फ उनको अपने डॉक्यूमेंट एक ही बार अपलोड करने पड़ेंगे, तो इससे बच्चों को बहुत सुविधा होने वाली है। DU में एडमिशन के लिए आए विद्यार्थी भी पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था से काफी उत्साहित दिखे। ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही अच्छी हो गई है क्योंकि इससे ये है कि मतलब बच्चे जो हैं, मतलब जो आ नहीं सकते हैं और जिनका घर दूर है और जिनका मतलब फाइनेंशियली कोई भी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इससे वो ऑनलाइन आराम से बैठ के फिलअप कर सकते हैं। मन तो है हमारा कि हंसराज या फिर हिंदू या LSR इनमें से किसी में भी मिल जाए, बट लेट्स सी कट ऑफ द सोरिंग हाई। इट्स अ गुड इनिशिएटिव दैट इंस्टेड ऑफ थक्के खाने से अच्छा है कि हम ऑनलाइन बैठ के घर पे बैठ के हम देख सके कर सके। वो जो लाइन लंबी लगा करती थी उस चीज से हम बच जाएंगे, ऑनलाइन में ये फायदा है। अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क भी रखा गया है। इसमें सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंजीकरण शुल्क 100 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए पंजीकरण शुल्क 50 रुपये रखा गया है। स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी के लिए अतिरिक्त 100 रुपये पंजीकरण शुल्क चुकाना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करते समय DU के पोर्टल पर कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। इसमें आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, आवेदक के स्कैन किए गए हस्ताक्षर, जन्म की तारीख के लिए स्वयं सत्यापित 10वीं के सर्टिफिकेट की कॉपी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग PWD के स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्रों की कॉपी, OBC गैर क्रीमी लेयर के लिए स्वयं सत्यापित आय प्रमाण पत्र की कॉपी, पिछले 3 वर्षों के लिए स्वयं सत्यापित खेल प्रमाण पत्रों की कॉपी, ECA यानी अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों की स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्रों की कॉपी, 12वीं कक्षा की स्वयं सत्यापित की हुई मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज अपनी अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। इसमें पहली प्रवेश सूची की अधिसूचना 27 जून को, दूसरी प्रवेश सूची की अधिसूचना 1 जुलाई को, तीसरी प्रवेश सूची की अधिसूचना 7 जुलाई को, चौथी प्रवेश सूची की अधिसूचना 12 जुलाई को, पांचवी प्रवेश सूची की अधिसूचना 16 जुलाई 2016 को जारी की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पिछले सालों तक जहां कॉलेजों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी, वहीं अब विद्यार्थी घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है। कैमरामैन RK के साथ गिरीश निशाना, GD News दिल्ली।